कि उसको कोरोना था ही, अगर होता तो बॉडी नहीं देना चाहिए था, काई के बॉडी दिया। और उन्होंने अगर बॉडी के पीछे 400 लोग हैं। मैं क्या बोलती हूँ, मेरी बात सुनो, अगर आपने बीएमसी के डॉक्टर ने कोरोना टेस्ट किया तो उनको बॉडी रोक के रखना बनता था जब तक रिपोर्ट नहीं आती है। हम थोड़ी ना जबरदस्ती, आज भी हमारे जो 200-400 पूरा बिल्डिंग मेरा सब मेरे मैयत पे आके रोए हैं, तो अच्छा बॉडी समझ के रोए हैं। तो तुमने गलती क्यों नहीं, अगर मेरे 400 बिल्डिंग में से किसी को भी कोरोना हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? ऊपर हॉस्पिटल। और मैं ये बोल के इसलिए बोल रही हूँ, लोग मेरे को बोलते हैं बीएमसी हॉस्पिटल है ऊपर, यहाँ से हम लोग लेके जाते हैं, लेके आते हैं, हमारी तकलीफ हमको मालूम है, हम भी फिर भी बोल रहे हैं। अपना बिल बनाने के लिए कर रहे हैं, अपना केवल बिल 1.5 लाख बिल बनाने के। उससे पहले भी एक बच्चे की मौत हुई थी मेरे सामने, उसके बाप ने बोला कि ये आप लोग कोरोना पेशेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हो, नॉर्मल पेशेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। तो मेरा 100 की सीधी एक बात है कि कोरोना तुमने चेक किया तो मेरी बॉडी रोका क्यों नहीं, बॉडी दिया क्यों? मैं उसका जिम्मेदार पूरा बीएमसी हॉस्पिटल को मानती हूँ, ऊपर का अभी जो भी है ऊपर हॉस्पिटल के ऊपर है, और जो भी है उनको समझना है। हम क्वारंटाइन नहीं होएंगे, हम क्वारंटाइन नहीं होएंगे, इसलिए नहीं होएंगे कि हमारे पास कोई घर खर्चा देने वाला नहीं है। तुम लोग 14 दिन तक हम लोग को बांध के रखोगे, हमारा दूसरा परिवार किधर जाएगा? और उसके अलावा कौन है हमारे जो बॉडी पे रोया, उसको भी क्वारंटाइन का जिम्मेदार आपको ही बनना पड़ेगा। किसी को भी कोरोना निकला तो, ये मैं नेहा की सास हूँ, और मैं अगर यहाँ से अगर मेरा फैसला नहीं हुआ तो मैं और भी आगे जाऊँगी। 4 दिन पहले हमारी पड़ोसी 14 से 8वें ले रही है, उनकी बहू बीमार थी, उनका एडमिट किया गया था। एडमिट के बाद उनको लाया गया, उनकी मैयत को, कोरोना पॉजिटिव को तो लाते नहीं पर उनको लाया गया, तो हम लोग को लगा नॉर्मल है, इसलिए हम लोग भी सब लोग जमा हुए, हम लोग भी गए वे सब देखे देखे। बाद में आज 4 दिन के बाद मालूम पड़ा कि वो पॉजिटिव है, तो अभी हम लोग को भी डर लग रहा है कि हम लोग को भी कुछ ना हो जावे। ऐसा कैसे अभी ये सब चल रहा है ये सब? 20 तारीख को रात को यहाँ पे बॉडी लाई गई, जहाँ के मालूम हम लोग को जहाँ तक की खबर है कि कोरोना पेशेंट को बॉडी नहीं देते हॉस्पिटल वाले। तो जब वो बॉडी आई तो हम लोग ऐसा कोई किसको मालूम नहीं था क्या वो कोरोना पेशेंट है करके। अभी 4 दिन के बाद में बीएमसी वाले ने घोषित किए कि उनका रिपोर्ट आया है करके, हम लोग को जब मालूम पड़ रहा है कि वो कोरोना पेशेंट थी। आज उनके घर वाले भाजी बेच रहे, रिक्शा चला रहे, सब कर रहे, तो ये बीएमसी का ये लापरवाही है कि हॉस्पिटल वाले का लापरवाही? आज भुगतान कौन कर रहा, हम लोग आम पब्लिक कर रहे हैं ना। लेकिन आपको डर लगा हुआ है कि? डर लगेगा ना सर, हम लोग भी रहते हैं यार, हम लोग भी तो यहीं पे रहते हैं ना, वही लिफ्ट से जाना, वही लिफ्ट से आना। अब क्या कहना चाहिए, किसकी लापरवाही? लापरवाही सर हॉस्पिटल की भी है, बीएमसी वाले की भी है। यहाँ की जय भारत एसआरएस सोसाइटी में की एक गर्भवती महिला को सर्दी बुखार की वजह से मनप्पा कूपर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। वहाँ पे आईसीयू में उसका उपचार चल रहा था, उस दरमियान उस महिला का देहांत हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उस मृत महिला के रिश्तेदारों को बुलाकर उस महिला की डेड बॉडी उनके ताबे में दी अंतिम संस्कार के लिए। उसके बाद उसके रिलेटिव ने, उस मृत महिला के रिलेटिव ने अपने रिश्तेदारों को और बिल्डिंग के रहवासियों को बुलाकर उस महिला का अंतिम संस्कार किया। आज उस बात को 5 दिन होने के बाद मनप्पा दौरे उनको कॉल आया है आज कि जिस महिला का मृत्यु हुआ है वो कोरोना पॉजिटिव है, आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, हम लोग आ रहे हैं। उस मृत महिला के रिश्तेदारों ने इस पूरी बात की जानकारी हमें दी और हमें कहा अगर हमको क्वारंटाइन कर रहे हैं तो उस वक्त हमारे लगभग 200 के ऊपर रिश्तेदार वहां पर आए थे, अगर उनको कोरोना हो गया तो उसका जवाबदार कौन है? इस सब का जवाबदार मनप्पा कूपर हॉस्पिटल है, वहां के डॉक्टर हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मनसे के द्वारा राज्य सरकार को, मनप्पा आयुक्त को विनती करता हूँ कि ये कूपर हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से आज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, किसी को भी कोरोना हो सकता है। आज 200-300 लोग उस मृत महिला के अंतिम संस्कार की विधि के वक्त आए थे, तो इस सब का जो जवाबदार है वो कूपर हॉस्पिटल के सक्षम डॉक्टर, उनके ऊपर सबके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा हम अपने मन से स्टाइल में कार्रवाई करने के लिए उन्हें कहेंगे और उसमें जो भी
जो होगा उसका जवाबदार ये कोपर हॉस्पिटल प्रशासन होगा।